केक बनाना सबको पसंद है और खाना भी सबको पसंद है, पर उस पे एक आइसिंग करना ये एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। पहले क्रीम को लेकर आओ, फिर उसको चिल करो, फिर उसको विप करो, और कई बार होता है कि कई लोगों से विपिंग क्रीम तैयार करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर, और आज मैं क्रीम को विप करने का एक अलग तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर मैं ये पाउडर बेस्ड क्रीम यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, ये यहाँ पर जो मैंने ब्रांड यूज़ किया है, इसके अलावा भी कई सारे यूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये इतना कन्वीनियंट है, आप इसे घर पे रख सकते हैं। काफ़ी मेरे ख्याल में 9 मंथ्स की इनकी लगभग शेल्फ लाइफ होती है, तो आप इसे आराम से घर में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी यूज़ करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, हैंडी है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो पाउडर लिया था, ये पूरा ही इस तरह से एक गहरे बोल में डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसे विप करना है। तो यहाँ पे लिया है, देखिए, मैंने चिल्ड पानी, यानी फ्रिज में, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। पानी काफ़ी चिल्ड है, ठंडा है, तो ये मैं इसमें डालूंगी। आप जो पैक लाएंगे, वैसे तो उस पर मेंशन होता है कि कितना आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो मेरा पाउडर था उसमें मुझे यूज़ करना है 120 ml। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये कप है, ये मेजरिंग कप 60 और 30 ml का है, तो मैंने 120 ml इसमें ये पानी, ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी डाला है, और अब हमें इसे विप करना है। तो विप करने के भी देखिए कई तरीके हैं। आप इसे हाथों से भी विक्स कर सकते हैं, विप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले देखिए, इस तरह से एक स्पून लेके मैं इसे मिक्स कर लूँगी, और जब इसमें इस तरह से सारे गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, मतलब पाउडर अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसे मिक्स करेंगे, यानी कि बीटर से या हाथों के विस्कर से इसको मिक्स करेंगे। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, हाथों वाला है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का बीटर है तो विद इन 2 मिनट्स आपकी ये क्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो एक बार मिक्सी में कोशिश कर सकते हैं, मैंने मिक्सी में ट्राई नहीं किया है, पर आप चाहें तो, मुझे लगता है कि हाई स्पीड पर अगर आप उसे करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसे मीडियम पे चलाया, और मीडियम पे जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद मैं इसे हाई स्पीड पे चला रही हूँ, और आप देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और ये अपने साइज से बिल्कुल 4 गुना हो जाएगा। मैंने वीडियो कट नहीं किया है, पूरी वीडियो आपको लगातार दिखा रही हूँ। अगर आपको बीट करते समय कहीं भी ऐसा लगे कि क्रीम गर्म हो गई है, या अगर आप हाथों से विस्क कर रहे हैं तो होता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो आप उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में 2 से 3 मिनट के लिए, और वापस से उसे बीट करें। और जब आपको लगे कि वो इस तरह से बिल्कुल अपने साइज से 4 गुना हो गया है, पूरा आपका क्रीम तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट पीक तैयार हो गए हैं, तो इसका मतलब आपकी क्रीम तैयार है। तो अब आप देखिए, मैंने इसे बीटर से किया है, और विद इन 2 मिनट्स हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है। अब हमें इसे फ्रिज में रखना होगा चिल करने के लिए। तो अगर आपको तुरंत यूज़ करनी है तो यूज़ करने से पहले इसे फ्रीज़र में रख दें फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए रख दें, और उसको फिर हाथों से एक बार बीट करें, और उसके बाद जहाँ भी आपको यूज़ करनी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गई है, इसके पीक्स कैसे बनते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा टेक्सचर इसका, बिल्कुल दोस्तों टेस्ट में भी बहुत ही अलग ही होती है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने नॉन डेरी क्रीम ना यूज़ करके पाउडर क्रीम यूज़ की है। बहुत हैंडी है, बहुत टेस्टी है, और कभी भी आप इसको जब भी मन करे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ केक में, आप डेजर्ट में, या जैसे आपने कोई शेक बनाया है उसमें आपको इसकी कुछ डेकोरेशन करनी है तो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए,
ये तैयार हो गई। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ा सा स्लो करके दिखाया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगा है, पर यकीन मानिए सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं। और इस तरह से ये भर के पूरा मेरा बोल तैयार हो गया है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए देखिए फ्रिज में रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि कितना गाढ़ा टेक्सचर हो गया है। और इसे मैं एक पाइपिंग बैग में भर रही हूँ। आप इसकी अभी मैं आपको ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसका लुक देखिए। यहाँ पे मैंने ये शेक बनाया हुआ है, चॉकलेट शेक, उसके ऊपर इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ कलर्ड यूज़ करना है तो आप क्रीम में कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप टेक्सचर देखिए इसका, बहुत फ्लफी तैयार हुई है। और सबसे अच्छी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, पाउडर फॉर्म में है, तो कभी भी जब भी मन करे आप इसे तैयार कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अगर आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास तो काफ़ी बॉक्सेस रहते हैं, कभी भी मुझे जब केक या पेस्ट्री या कुछ भी ड्रिंक में उसे यूज़ करना होता है तो मैं फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।